नमस्कार साथियों, आईसीएस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ समय के बाद में फिर से हम आप लोगों के बीच में हाजिर हैं मनोविज्ञान के कुछ टॉपिक्स को लेकर के। जैसा कि पिछले वीडियोस में, पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था जीन पियाजे के बारे में, जीन पियाजे के कुछ संप्रत्यय हमने आपको बताए थे। आज हम लोग जीन पियाजे के ही बारे में थोड़ा और अधिक बालक के विकास को लेकर के अन्य चर्चा करेंगे। और जीन पियाजे हमने आपको बताया भी था, टेट सीट सुपर टेट हो, जीन पियाजे के बिना पेपर नहीं बनता है। जैसे बोर्ड परीक्षा में कहा जाता है सूर तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, उसी प्रकार से जीन पियाजे के बिना खाना नहीं बनता है। समझ गए, कहने का तात्पर्य है पर्चा नहीं बनता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पियाजे की अवस्थाएं, जो पियाजे के द्वारा बालक की अवस्थाएं बताई गई हैं उनको आज हम लोग जानेंगे। देखिए, जीन पियाजे ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द एज ऑफ द थॉट ऑफ द चिल्ड्रेन। कहने का तात्पर्य था बच्चों की सोच से संबंधित वो पुस्तक थी, 1923 में लिखी गई थी। तो उसी के आधार पर इन्होंने कुछ अवस्थाओं में विभाजित कर दिया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सीटेट की पिछली सन 2011 से सीटेट चल रहा है, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, कोई भी पेपर उठा लीजिए, चाहे जूनियर का, प्राइमरी का, पियाजे आपको उसमें अवस्थाओं के रूप में जरूर रखे हुए मिलेंगे। तो इन्होंने अवस्थाओं को चार भागों में विभाजित किया है, चार भागों में अवस्थाओं को विभाजित किया है। ये कौन कौन सी चार अवस्थाएं, उन पर भी चर्चा करेंगे। पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को हम लोग कह देते हैं संवेदी गतिक, गतिक अवस्था। बहुत ही ऐसा, देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं आपको बहुत ही इस प्रकार से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि पांच मिनट, केवल पांच मिनट में आपको बता करके चले जाते हैं कि चार अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाएं हैं। बात समझ गए, क्योंकि पांच मिनट में आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, ये तो आप रटने की प्रवृत्ति पर आ गए, चार अवस्था रट ली। लेकिन सीटेट कॉन्सेप्ट पर है, आपको समझनी पड़ेगी। जैसे ही हमने आपको यहां पर लिखा संवेदी पेशीय, तो इसमें एक हमने और आपको बता दिया कि इसका दूसरा नाम हो सकता है संवेदी गतिक अवस्था। अब पेशीय और गतिक समझ लीजिए क्या है। पेशीय यानी कि हमारे शरीर के संचालन में जो क्रियाएं यूज होती है, जो बॉडी के पार्ट्स यूज होते हैं, हाथ पैर मुंह नाक कान, दैट इज कॉल्ड पेशी। और गतिक का मतलब चलना फिरना, ये सारे कार्य होते हैं। तो और संवेदी का तात्पर्य क्या हो गया, संवेदना, क्या हो गया, संवेदना। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा वो अपनी संवेदनाओं को कैसे व्यक्त करता है, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने का तरीका होता है हम बोल करके, हंस करके, रो करके, चिल्ला करके अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ द बॉडी है, हम बोल रहे हैं मुंह से अपने बोल रहे हैं, ये पार्ट ऑफ द बॉडी है, चल रहे हैं पार्ट ऑफ द बॉडी है, हमको कोई प्रसंग अच्छा लगा उस पर हम हंसने वाला है, हंस दिए, पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो जिसमें हम संवेदनाएं व्यक्त करें, जिसमें हमारे शरीर का भाग यूज हो और जिसमें हम शरीर को चला सकें, वो सभी पार्ट्स मिलाकर के क्या बनते हैं, वो कौन सी अवस्था बनती है, संवेदी पेशीय अवस्था। फिर से एक बार सुन लीजिए, संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को हम लोग कहते हैं संवेदी गतिक अवस्था भी। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा इसमें जो आता है, उससे पहले मैं आपको इसी को पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा।
और नहीं देखेंगे तो भी कोई आप हमारा कुछ नहीं जा रहा है, तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। संवेदी पेशी अवस्था में एक एज को निर्धारित किया गया कि बालक में ये क्रियाएं जो होती हैं इस एज से इस एज तक होती हैं। तो जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक का जो बालक की आयु होती है उसमें संवेदी पेशी घटनाएं होती हैं। इसको इन्होंने 6 भागों में विभाजित कर दिया है। कितने भागों में? 6। हम यहां पर एक एक करके लिख रहे हैं, आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और समझते भी चलिए। इसको हम 4 अवस्थाएं, पहले इसको डिस्क्राइब कर दें फिर उसके बाद में बता दें। यहां पर हमने पहली अवस्था एज हमने आपको बता दी है जन्म से दो वर्ष, ये एज है इसकी 6 अवस्थाओं में। तो पहली अवस्था होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं परिवर्त, कहीं प्रतिवर्त भी लिखा होता है, परिवर्त की अवस्था। ये बालक की सबसे शुरुआती स्टेज के जन्म के बाद की अवस्था होती है। इसकी जन्म से 1 माह, जान बालक 1 माह का होता है तो उसमें परिवर्त की अवस्था कहते हैं। परिवर्त का मतलब समझते हैं, रिटर्न मतलब इस प्रकार की चीजें जो बालक में सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। अब हम आपसे कह दें कि बालक में प्रथम संवेग कौन सा पाया जाता है, तो बालक में प्रथम संवेग क्वेश्चन भी थोड़ा हट करके बन सकते हैं। जन्म के तुरंत बाद पहला संवेग और जन्म के समय संवेग। तो जन्म के समय संवेग कुछ नहीं होता है, केवल और केवल बालक में क्या होती है, उत्तेजना, जानने की इच्छा। अब कह दीजिए सर, वॉटसन ने कहा था और क्या नाम, जॉन लॉक ने भी कहा है कि कोरी स्लेट के समान होता है। रूसो ने भी कहा है कि बालक में तो बुद्धि ही नहीं होती है, ब्लैंक होती है, तो उसमें किस चीज की उत्तेजना, किस चीज की जानने की, उसको एक आंतरिक भावना होती है। जब बालक गर्भ से इस वातावरण में आता है तो उस प्रकार की उत्तेजना, एकमात्र उत्तेजना होती है। और जब आता है बालक, जब वातावरण में आ जाता है तो रोना प्रारंभ करता है। क्या करता है? रोना, रोता है सबसे पहले, तो रोना एक संवेग होता है, ठीक है। तो उसके बाद में बालक इस अवस्था में 1 माह में उसका कार्य क्या होता है, 1 माह में क्या कर लेता है, कुल्हाड़ी तो चला नहीं पाता है, ना उठकर भी नहीं बैठ पाता है, यहां तक कि करवट भी नहीं ले पाता है, तो पैर भी नहीं उठा सकता है, हाथ भी नहीं उठा पाता है। करता क्या है 1 महीने में? 1 महीने में बालक रोता है, रोना रोता है और चूसना। मां का जो आंचल होता है, दूध पीता है, तो चूसने का प्रतिवर्त होता है और रोने का परिवर्त होता है। इसको प्रतिवर्त भी कहते हैं, परिवर्त भी कहते हैं। तो दो केवल जो सर्वाधिक इस अवस्था में होते हैं, रोना और चूसना। तो ये आपका हो गया प्रतिवर्त की अवस्था। दूसरी आपकी अवस्था देखिए, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, अनुक्रियाओं की अवस्था। देखिए ये चीज आमतौर पर नहीं पढ़ाते हैं लोग, कारण है क्योंकि उनको लगता है कि इतना डीप पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आप जब इन 6 अवस्थाओं को, ये 6 उपअवस्थाएं बोली जाती हैं, पहली अवस्था की 6 उपअवस्थाएं, जब आप इन 6 उपअवस्थाओं को पढ़ लेंगे कायदे से तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रथम वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था ये होती है 1 माह से 4 माह, यानी कि बालक 1 माह से 4 माह के बीच में क्या क्या क्रिया करता है, वो प्रथम वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है क्या करेगा? सबसे पहले बालक, मैंने अभी बताया है, रोता है, ठीक है, दूध पीता है, उसके बाद में उसका प्रथम कार्य होता है हाथ को उठाना, दूसरा कार्य होता है किसी भी बड़ी चीज को देख करके टकटकी बांध करके देखना,
जैसे एक बल्ब जल रहा है, तो बालक अगर लेटा हुआ है सीधे, तो सीधे उसका फोकस किस पर जाएगा? बल्ब पर, क्योंकि वो उसको लग रहा है बहुत बड़ी चीज है। पंखा घूम रहा है, उसकी नजर पंखे की तरफ जाएगी, ठीक है। और जब थोड़ा और ये घटना होती है शुरुआत के दूसरे महीने में, तीसरे महीने में क्या होता है, बालक अपने हाथ पैर को ऊपर नीचे चलाने लगता है। चौथे माह में धीमे धीमे वो करवट लेने लगता है। चार माह तक बालक अपनी माँ को भी बहुत कायदे से पहचान नहीं पाता है। चार माह के बाद जब पांचवा महीना आता है, तब वो अपनी माँ को जानने लगता है धीमे धीमे। तो ये जो घटनाएं होती हैं वो किसमें होती हैं? प्रथम वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था में। रिपीट करे दे रहे हैं, किसी बल्ब की ओर टकटकी बांध कर देखना, किसी बड़ी वस्तु की ओर देखना, कलरफुल चीजों की तरफ नजरों को देखना, हाथों का केवल संचालन करना, पैरों का संचालन करना, और कोई भी वस्तु है खाने पीने की है, अगर आप उसको खिलाते पिलाते हैं तो उसमें खाने चबलाने वाली कम, पीने वाली ज्यादा, दूध पीता है, पानी पी सकता है, ये सारी चीजें। सी यानी तीसरी अवस्था है, तीसरी हम लोग इसको कहते हैं द्वितीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, अनुक्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था को समझिए, यह जो अवस्था होती है यह चार माह से आठ माह के बीच में, चार माह से आठ माह के बीच में, इसमें बालक क्या करता है, अपनी माँ को पहचानने लगता है। जैसे छह सात महीने का बच्चा हो जाता है तो वो अपनी माँ को जानने लगता है। कोई दूसरा लिए हुआ माँ को देखा और तुरंत ही रोने लगा, अम्मा, समझ गए, अम्मा मम्मा, तो इस टाइप से। तो कहने का तात्पर्य है, और कभी भी छोटा बच्चा हो उसकी लैंग्वेज के आधार पर अगर आप उसको बोलना या उस वस्तु को, जैसे पानी है, पानी को बच्चा माँ को मम्मा कहता है, माँ को मम्मा कहता है, ठीक है। अब पानी को भी, उनकी जो मम्मी है वो पानी को भी मम्मा मम्मा कह करके कहते, पानी मांग रहा है, मम्मा मम्मा मम्मा। तो ये बच्चों की लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप उसको ढालने की कोशिश करते हैं तो बहुत बढ़िया है, इसमें गलत कोई चीज नहीं है, क्योंकि उससे बच्चा जल्दी सीखेगा। जिस क्रियाएं, जैसी क्रियाएं कर रहा है उसी के साथ उसको सही मार्ग पर ले आते हैं तो क्रियाएं अच्छी करेगा। तो इसमें माँ को पहचानता है। इस अवस्था में बालक धीमे से करवट लेना शुरू कर देता है, करवट लेना। कुछ बालक जो है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उठने की, इस गर्दन को उठाने का भी प्रयास करने लगते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे तो, और अगर शारीरिक रूप से मजबूत हैं तो बैठना भी प्रारंभ कर देते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड होती हैं बालक का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। तो ये सारी क्रिया करने लगा, कोई वस्तु को आप पकड़ा दीजिए या उसके पास में रखिए, खिलौना दे दीजिए, झुंझुना दे दीजिए तो झुंझुना बजाएगा, समझ गए। तो और आप उसको दूध की बोतल दे दीजिए तो उसको ऐसे हाथ में दबा करके पिएगा। तो ये सारी क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है द्वितीय अवस्था में, आठ माह से। और आठ माह में जाते जाते वो कहीं ना कहीं पहला शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। देखिए, सबसे पहले बच्चा ध्वनि करता है, क्या करता है, ध्वनि। फिर बाद में क्या करता है, वर्ण, वर्ण बोलता है, जैसे आ मा पा चा ला रा, ये वर्ण हुए। और फिर जाकर के बालक क्या बोलता है, शब्द। शब्द जानते हैं, दो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा। तो दो वर्ण कोई भी हो सकते हैं, मम्मा, ठीक है। तो पहले शब्द का प्रयोग भी बालक लगभग आठ माह में करना प्रारंभ कर देता है, ठीक। तो वो आठ माह का किसमें आ जाता है, चतुर्थ अवस्था में आ जाता है। उस चतुर्थ अवस्था का नाम है गौड़ स्किमेटा की अवस्था, गौड़ स्किमेटा की अवस्था। इसकी एज होती है आठ से बारह माह, आठ से बारह माह। अच्छा, इसमें क्या होता है, बालक, मैंने बताया कि पहले माह में शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है, कुछ बच्चे घुटने के बल चलना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ बच्चे खड़े होना भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बारह माह एक साल का हो जाता है, बारह माह तक जाते जाते बालक खड़ा भी हो जाता है, और कभी कभार थोड़े बहुत जो शारीरिक रूप से सही होते हैं वो चलना भी प्रारंभ कर देते हैं। इसमें पहला शब्द बोल लेता है, माँ को पहचानने बहुत अधिक रहता है, और किसी चीज में अभी अंतर नहीं बता पाएगा, लेकिन खाने पीने वाली चीजों को अंतर जरूर बता देगा। आप अगर उसको बैठाल करके ये बोतल
उसके पास रख देते हैं तो उस बॉटल को भी गिरा देगा, ठीक है। उसको इस चीज की समझ नहीं होती क्या सही है क्या गलत है, कोई भी वस्तु को खेलने के लिए उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा और कोई भी वस्तु उसके सामने रख देंगे तो उसके लिए वो एक प्रकार का खिलौना ही होगा। तो वो आपकी अवस्था आती गौड़ स्कोमेटा में। उसके बाद में पांचवी आपकी जो अवस्था होती है उसको कहते हैं तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, और इसकी एज होती है 12 से 18 माह यानी 6 माह का टाइम होता है, लंबा पीरियड होता है, 1.5 साल का बालक हो जाता है। इसमें बालक चलने भी लगता है, चीजों को समझने भी लगता है, अपने माँ बाप के नाम जहां तक है याद कर लेता है और खाने पीने की चीजों को मांगने लगता है, टेस्ट स्वाद उसको जानने लगता है, ठीक है। और बालक किसी चीज को जान करके पहचानने, जैसे यहां तक ही अपना कपड़ा, जैसे छोटा बच्चा है उससे आप कह दो ये आपकी शर्ट हम ले लेंगे तो उसको भी जानने लगेगा कि हाँ ये हमारी शर्ट है और ये आपकी शर्ट नहीं है, तो ये भी चीजें जानने लगता है। ये आपकी आती तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। और जो लास्ट आपकी है मानसिक संक्रिया की अवस्था, मानसिक संक्रिया की अवस्था, और लास्ट ये है इसकी एज होती है 18 से 24 माह। मानसिक संक्रिया की अवस्था होती है यहां पर बालक अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर देता है, शुरुआत कर देता है, सोचना चालू कर देता है, विचारना चालू कर देता है, कोई कार्य को निपुणता के साथ करना चालू कर देता है, तो ये छोटी छोटी जो बौद्धिक रूप से कार्य होते हैं उनको करना प्रारंभ कर देता है। तो ये आपकी संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गतिक अवस्था को 6 भागों में विभाजित किया गया है, या इसको जन्मजात अवस्था भी कह सकते हैं। तो पहला है परिवर्त या प्रतिवर्त की अवस्था, जन्म से 1 माह, प्रथम वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था 1 से 4 माह, द्वितीय वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था 4 से 8 माह, गौड़ स्कीमेटा की अवस्था 8 से 12 माह, तृतीय वृत्ति के अनुक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 माह, और मानसिक संक्रियाओं की अवस्था 18 से 24 माह। ये पूरा कोटा है जन्म से 2 वर्ष और 24 माह यानी कि 2 वर्ष तक के क्या क्या बच्चे में क्रियाएं होती हैं। तो ये पहली पियाजे की पहली अवस्था के 6 उपअवस्थाएं, पहली अवस्था की 6 उपअवस्थाएं हैं वो मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं पियाजे की दूसरी अवस्था पर। पियाजे की दूसरी अवस्था जो है वो है कायदे से पढ़ते चलिए और चैप्टर को समाप्त करना भी बहुत जरूरी होता है और अंत तक, क्योंकि तभी सारी चीजें क्लियर भी हो पाते हैं। देखिए दूसरी अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम लोग प्राक, पूर्व या प्राक भी कह देते हैं कहीं कहीं पर, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रिया की अवस्था। अच्छा ये क्या अवस्था होती है, पहले तो मैं इसकी एज बता दूं जो पियाजे के द्वारा बताई गई है 2 से 7 वर्ष, यानी कि 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होगा वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रिया की अवस्था में आएगा। इस अवस्था के अंतर्गत बालक को 2 अवधियों में विभाजित कर दिया है, 2 पीरियड्स में इसको डिवाइड कर दिया है। पहली होती है पूर्व सम प्रत्यात्मक संप्रत्यात्मक अवधि, दूसरी होती है अंतर्दर्शी अवधि। पहली हो गए प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, दूसरी हो गए अंतर्दर्शी अवधि। हम सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे प्राक संप्रत्यात्मक अवधि पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की प्राक संप्रत्यात्मक, इसी को हम लोग संप्रत्यात्मक हटा करके प्रत्यात्मक अवधि भी कह लेते हैं। अब इसकी एज भी ये 2 से 7 वर्ष है, इसको भी विभाजित कर दिया गया 2 से 4 वर्ष। 2 से 4 वर्ष एक बार सीटेट के पेपर में भी आया था।
बालक 2 से 4 वर्ष के बीच में क्या करता है, तो इसमें बालक संकेत और चिन्ह के माध्यम से, संकेत और चिन्ह के माध्यम से सीखता है। संकेत और चिन्ह क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंबल एंड मार्क। संकेत मतलब सिंबल और मार्क तो क्या होते हैं, जैसे अगर आप किसी जीने पर चढ़ते हैं, ये जीना ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसे ये कायरो कभी कभी आप लोगों ने ऑफिस में बना हुआ देखा होगा और लिखा होता है ऊपर जाने का रास्ता इधर है, लिखा हुआ देखा है। फिलहाल ये लाइन बहुत गलत होती है, अभिव्यक्ति की बहुत जिंदगी बकाया होती है, लेकिन लिख देते हैं ऊपर जाने का रास्ता अलग होता है, खैर ये तो बात अलग की हो गई। तो वो एक प्रकार का सिंबल है, संकेत है, समझ गए। ये पानी की बोतल, इस बोतल में क्या है, पानी है, इस बोतल में हम लोग पानी रखते हैं। छोटा बच्चा 2 साल का है, वो ये समझता है, अगर आप उससे कह दीजिए कि ये इस बोतल को रख करके आइए, अगर आपके घर में इस बोतल को फ्रिज में रखा जाता होगा तो उस बोतल को कहां वो रखने जाएगा, फ्रिज में, अगर वो निरंतर इस चीज को देख रहा है, समझ गए। अगर आप उस बच्चे से कहिए पानी लाइए, तो बच्चा आपको गिलास में पानी लाने के लिए, अगर वो आपको आपके यहां जैसा हो रहा होगा वैसा ही करेगा, तो ग्लास में आप अगर पानी आपके घर में आता है तो वो आपको ग्लास में देगा, कप में आएगा तो कप में देगा, समझ गए। जैसी चीजें आपके यहां, लोटे में आएगा तो लोटे में पानी देगा। तो कहने का मतलब है जहां पर जैसा देख रहा है वो एक लोटा ग्लास है, क्या है, संकेत। ऐसा नहीं है कि आप पीने का पानी मंगाइए तो आपको वो बाल्टी में पानी आकर के दे देगा, आकर ले लो पियो, तो ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है संकेत सिंबल है। ये कलम या मार्कर, ये से लिखा जाता है, ये भी एक प्रकार का संकेत है कि ये लिखने वाली चीज है। तो बच्चा सीख जाता है संकेतों के माध्यम। चिन्ह क्या होते हैं, अब चिन्ह समझ लीजिए, जैसे कभी कभार आप कोई दरवाजा है और दरवाजे में एक आपने लॉक लगा रखा है, अब लॉक में एक चाबी का, चाबी जिसमें लगाई जाती है, जो डिजिटल लॉक होते हैं, चाबी लगा करके उसको खोला जाता है, तो चाबी का छेद जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, देखा जाए चिन्ह है कि यहाँ पर आप चाबी का चाबी को डालिए और ताला खोल लीजिए। तो कहने का मतलब है चिन्ह और संकेतों के माध्यम से बालक सीखता है। इसमें भी अब एक चीज समझ लीजिए, इसमें 2 चीजें आती हैं, एक होता है जीववाद, एक क्या होता है जीववाद। जैसे कभी कभार बच्चा इसमें जीववाद में, जीववाद, जीववाद में होता है, जिसको हम लोग जीव अजीव कहते हैं, या समझ लीजिए मॉर्टल इमॉर्टल। कहने का तात्पर्य है निर्जीव और सजीव, जीववाद में। सजीव का मतलब कैसा क्या होता है, जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में और आपने अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, छोटे बच्चे देखते हैं कि ये सूर्य जो निकला हुआ है, हम चल रहे हैं और गांव तक ये हमारे साथ में आया, जहां हम जा रहे हैं पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है, बादल हैं हमारे साथ साथ चल रहे हैं। कभी आप गौर करते, बच्चे बच्चे इस चीज को देखते हैं, समझते हैं, तो वो सजीवता, निर्जीवता में भी सजीवता का अनुभव कर लेते हैं। गुड़िया है, गुड़िया की अगर उनकी डॉल की गर्दन उमेठी है तो रोने लगते हैं, ये निर्जीवता में सजीवता, इसको कहते हैं जीववाद। क्या कहते हैं, जीववाद। तो ये भी बालक में पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि में होता है। तो आप मेरी बातों को समझ गए, बालक संकेत चिन्ह और जीववाद के माध्यम से बालक सीखता है। जीववाद का मतलब हो गया सजीव और निर्जीव। तो पहली अवधि हो गई, दूसरी अवधि मैं आपको बताता हूं। दूसरी अवधि होती है अंतरदर्शी अवधि। अंतरदर्शी जो अवधि होती है 4 से 7 वर्ष, 3 साल, 4 से 7 वर्ष के बीच में होती है अंतरदर्शी अवधि। इसमें बालक जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी गणितीय संगणनाएं करना प्रारंभ कर देता है। जाहिर सी बात है 5 साल में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देगा, तो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देगा तो चीजों का लेन देन करना प्रारंभ कर देगा, बात समझ गए, जैसे मित्र बनाना प्रारंभ कर देगा, एक अलग जात समुदाय में जाना प्रारंभ कर देगा, दुकान पर जाकर कुछ चीजों को खरीदना शुरू कर देगा। तो जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी मानसिक संक्रियाओं को भी इस अंतरदर्शी अवधि में करने लगता है, और
समूह में आना धीमे धीमे प्रारंभ कर देता है और रंगों में अंतर समझने लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, रंगों में अंतर। जैसे आप उसको कह दीजिए कि ये लाल लाल टमाटर दिखाइए, दूर से ही दिखाइए, और एक सेब दिखाइए, कहेंगे दोनों का कलर कैसा, तो आप कहेंगे दोनों का कलर जो है वो लाल है। परंतु अब लाल कलर तो टमाटर का भी है, लाल लाल कलर जो है सेब का भी है, लेकिन जब बच्चा इस अवधि में पहुंचता है तब उसको पता है टमाटर का यूज कहां पर होता है, सेब का यूज कहां पर होता है, इस चीज का भी ज्ञान इस अंतर, इसीलिए कहा गया अंतरदृष्टि अवधि में होता है। तो ये दो आपकी अवस्थाएं हो गए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब हम आते हैं पियाजे की तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था का नाम है, तीसरी अवस्था का नाम है, वैसे टीचिंग में बताया जाता है कि जब आप ब्रश का या डस्टर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका सीधा इस प्रकार से ले जा करके साफ करना होता है, लेकिन ये आपका चाक वाला बोर्ड नहीं है, ठीक है, इसमें धूल उड़ने की कोई संभावना नहीं होती है, और जो चाक वाला होता है उसमें आप इस प्रकार से ले जा करके और धीमे धीमे ऐसे हिला दीजिए ताकि गर्दा जो है उसकी धूल धूल के जो कण हैं वो नीचे गिर जाए। बात समझ गए, मार्कर को चाक को पढ़ाते समय कभी हाथ में नहीं रखना चाहिए, तुरंत रख देना चाहिए, ठीक है। ये सब आपके स्टिमुलस वेरिएशंस और टीचिंग में छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं। तीसरी आपकी अवस्था होती है, थर्ड अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को हम लोग कहते हैं ठोस संक्रिया की अवस्था या ठोस संक्रिया की अवस्था। इसको इस ठोस संक्रिया की अवस्था, इसकी ये जो 7 से 11 वर्ष, अब देखिए इसमें क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठोस संक्रिया की अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसको किसी भी अन्य, जैसे पिछली दो अवस्थाएं पड़ी उनको विभाजित कर दिया गया, इसको कहीं पर से विभाजित नहीं किया गया। इसमें एक चीज आ गई मूर्त, मूर्त का मतलब हो गया प्रत्यक्ष, यानी कि बालक को जो सामने दिख रहा है उसको वो सही मान करके सारे कार्य करना प्रारंभ कर देता है। दूसरी चीज है समूह में रहना प्रारंभ कर देता है, समूह का मतलब समझ रहे हैं, इसमें बालक चीजों को मित्रवत, मित्रता आ जाती है, तो समूह में गुटबाजी में रहना, इसीलिए जब गैंग भी इसको बोलते हैं, संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठोस संक्रिया यानी कि कोई भी चीज उसको देख लेता है तो सत्यता की ओर, तो प्रत्यक्ष चीजों को देख करके जो कार्य करता है बालक, बुद्धि का प्रयोग करता है, शरीर का कार्य करता है, वो आपकी किसमें आ जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और जो चौथी अवस्था होती है अमूर्त, दोनों को कंपेयर करके समझाएंगे। चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक, या इसको हम लोग औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 11 से 15 वर्ष। कहीं कहीं पर आपको दिया होगा किताबों में 11 से 18 वर्ष, लेकिन नहीं, 15 ही होती है, 11 से 15 वर्ष। इसमें एक शब्द आ गया अमूर्त यानी कि अप्रत्यक्ष, यानी कि काल्पनिक, समझ गए, यानी कि इसमें जो वास्तविकता होती है, जो उसको सामने चीजें दिखती हैं उसको मानने की कोशिश करता है और इसमें कल्पनाओं में चला जाता है बालक, दिवा स्वप्न की भावना। किशोरावस्था में बालक जाते हैं तो कहते हैं काश ऐसी चीज हमारे पास भी होती, काश ऐसा बंगला हमारे पास भी होता है, तो कहने का मतलब है काश कर करके कल्पनाओं में ज्यादा घूमते हैं बालक। जैसे किशोरावस्था में के जो बालक होते हैं, इस समय दुनिया का सबसे खराब गेम चल रहा है जिसका नाम पबजी है, बहुत सारे लोग खेलते होंगे, जो ज्यादा खेलते होंगे उनको मुझ पर गुस्सा आएगी, कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया गेम को खराब गेम बता रहे हैं, अदरक क्या जाने बंदर, बंदर क्या जाने अदरक का मजा, तो वो वाला हाल हमको समझ रहे होंगे। लेकिन पबजी गेम में आपका भविष्य नहीं है, पबजी में जो खेलेगा पबजी वो काटेगा आगे चल के सब्जी, समझ गए, इसलिए पबजी खेलना बंद करिए, पहली चीज तो ये। तो वो अब जब गेम है, उस गेम को हमने बच्चों को खेलते हुए देखा, खेलने के साथ साथ इतना डूब जाते हैं
कि जैसे हमारे बिल्कुल जानने की घटना है, छत पर बैठा हुआ एक बच्चा पबजी खेल रहा था। अब रात का समय होता है तो बच्चे मतलब पता नहीं चलता है कि आपकी कभी कभार लाइट ऐसी लगती है कि नीचे का कुछ जमीन का नहीं दिखता है। वो पबजी खेलते खेलते चल चल के पबजी खेलने लगा, जैसे उसमें दौड़ रहा था तो वो खुद भी दौड़ने लगा और इतना मग्न हो गया कि उसकी टांग छज्जे के बाहर चली गई। वो तो गली मत करो कि उसको जब नीचे गिरा जा करके तो कच्ची जमीन पर गिरा तो उसके बहुत अधिक चोट नहीं, फिर भी हाथ टूट गया। तो ये पबजी का साइड इफेक्ट है, समझ गए। तो आप इतना घुस जाते हैं उस चीज में, आपको लगने लगता है कि दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, बट नहीं, गेम से बाहर आइए और वास्तविक जीवन में जिए। तो काल्पनिक होता है, ठीक है, जैसे किशोरावस्था में बताने जा रहा था, बालक होता है इस अवस्था में। तो बालक क्या करता है, टीवी पर आप बैठा दीजिए, आपने लगाया चैनल, उसने अपने जैसे किसी लड़के को देखा कि वो एक्टिंग कर रहा है तो वो तुरंत एक्टिंग सोचने लगता है कि हमें एक्टिंग करना है। मैच वाला क्रिकेटर देखा तो क्रिकेटर बनने की सोच लेता है। आगे WWE चल रहा है तो बॉक्सिंग करने की सोचने लगता है। आगे चल के उसमें अगर कपिल शर्मा दिख गया तो कॉमेडियन बनने की सोचने लगता है। आगे चल के उसमें अगर कोई न्यूज एंकर दिख गया तो न्यूज एंकर बनने को चल दिया, बात समझ गए। आगे चल के कोई उसमें नेता दिख गया तो नेता बनने को चल दिया। तो कहने का मतलब है, बालक का दिमाग एक रिमोट के समान होता है किशोरावस्था में। चैनल बदलते जाइए, उसके विचार भी उसी प्रकार बदलते जाएंगे। तो अप्रत्यक्ष तरीके से जो क्रियाएं होंगी तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो प्रत्यक्ष तरीके, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो हम लोगों ने 4 अवस्थाएं पढ़ ली पियाजे की। पहली पढ़ ली संवेदी गतिक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, जिसको 6 भागों में विभाजित किया गया। दूसरी हमने पढ़ी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 2 अवधियों में विभाजित किया गया। तीसरी हमने पढ़ी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी हमने पढ़ी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग आगे इसी तरह पढ़ते रहेंगे। अगले वीडियो के लिए फिर हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कोरोना में आप सभी लोग अपने आप को संभाल कर रखें, उचित दूरी बना करके सभी कार्य करें, मास्क का प्रयोग करें, और हो सके तो नेचुरल चीज़ों का अत्यधिक प्रयोग करें, जैसे काढ़ा वगैरह इस चीज़ का प्रयोग करें। गर्म पानी का सेवन करें, कोल्ड ड्रिंक को 6 महीने के लिए त्याग दीजिए, फिर पूरी जीवन पीते रहना। धन्यवाद, नमस्कार।